नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान में। राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ अब ना सिर्फ बीजेपी खुलकर जो है बगावत कर रही, बल्कि अब अंदर खाने यानी पार्टी के अपने ही नेता गहलोत के खिलाफ उतर आए हैं। यानी कि अशोक गहलोत को अब पार्टी के अपने नेताओं से नाराजगी देखनी पड़ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत का मनमाना रवैया अब गहलोत के लिए खतरा दिखता नजर आ रहा है। दरअसल खबर क्या है कि अशोक गहलोत ने मेयर पद से सौम्या गुज्जर को हटा दिया। सौम्या गुज्जर को हटाते ही बहुत बड़ा बवाल राजस्थान में देखने को मिला है, और सौम्या गुज्जर के हटने के बाद उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिससे अशोक गहलोत के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो अशोक गहलोत को अब अपने ही नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अशोक गहलोत ने जिस तरह से अभी तक सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश की, वैसे में सौम्या गुज्जर को मेयर पद से हटाना अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ा जो है सबक साबित हो सकता है। इससे अशोक गहलोत के लिए आने वाले समय में परेशानियां और खड़ी हो सकती हैं, और अब पार्टी के अंदर जो है वो खुलकर अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से सौम्या गुज्जर को पद से हटाने के बाद अशोक गहलोत के खिलाफ अब खुलकर बगावत हो रही है और पार्टी के नेता गहलोत को घेरते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पूरी तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत होती दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें कि अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत हो रही है, और ये बगावत अब पार्टी के अपने ही नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक देखने को मिल रहा था कि पार्टी के अपने ही नेता बगावत कर रहे थे, लेकिन इस बीच अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बीजेपी भी गहलोत की बगावत करते दिखाई दे रही है। आपको बता दें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विपक्षी नहीं बल्कि अपनों का सामना भी कर रही है। जयपुर की मेयर सौम्या गुज्जर को हटाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला और परिवहन मंत्री प्रताप चीखा चिरवास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद देर रात सरकार की ओर से एक जाँच रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि मेयर ने कमिश्नर के साथ अभद्रता की है। दरअसल पिछले दिनों शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुज्जर और बीजेपी के तीन पार्षदों पारस जैन, अजय चौहान और शंकर शर्मा को निलंबित कर दिया था। मेयर समेत पार्षदों को कमिश्नर के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित किया गया था। इसके बाद सियासी पारा बढ़ गया था, बीजेपी ने तो घेरा ही, कांग्रेस ने भी गहलोत सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला ने इसे बेवजह का कदम बताया, तो वहीं परिवहन मंत्री ने इसे जल्दबाजी भरा कदम भी बताया। अपने प्रदेश अध्यक्ष की असहमति सुनने के बाद सरकार ने आनन-फानन में देर रात जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें सौम्या गुज्जर दोषी बताए गए। राजस्थान सरकार ने कहा कि जांच अधिकारी की ओर से 17 पन्नों की रिपोर्ट साफ है कि नगर निगम कमिश्नर यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर अशोक गहलोत पूरी तरह से घिर चुके हैं, और गहलोत सरकार के खिलाफ अब पूरी तरह से अपने ही ना सिर्फ नेता निशाना साध रहे हैं, बल्कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी नेता भी निशाना साध रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में जाती दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो इस तरह का इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में पूरी तरह से सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत के खिलाफ अब पूरी तरह बवाल दिखता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अब सचिन पायलट का समर्थन बीजेपी के नेता भी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी नेताओं ने पूरी तरह सचिन पायलट का साथ दिया है। इसका मतलब ये है कि अब पार्टी में बड़े स्तर पर फूट दिखती नजर आ रही है। जी हाँ, पार्टी में बड़े स्तर पर फूट पड़ने का मतलब ये है कि सीधा सीधा गहलोत सरकार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ये फूट इसी तरह से चलती रही तो आने वाले समय में गहलोत की कुर्सी खतरे में दिख सकती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि अशोक गहलोत जिस तरह से शुरू से मनमाना रवैया अपनाते आए हैं, और जिस तरह से जो पार्टी की बैठक बुलाई गई थी और जिस तरह से सुलह कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी अपना काम सही ढंग से नहीं किया। इसके बाद पूरी तरह अशोक गहलोत गिर गए। हालांकि अगर देखा जाए तो मौजूदा समय के अंदर
हालांकि अगर देखा जाए तो सुलह कमेटी पर ना सिर्फ सचिन पायलट ने अब अशोक गहलोत को घेरा है, बल्कि अब बीजेपी नेता भी घेरते नजर आ रहे। तो वहीं अपनों को जिस तरह से अशोक गहलोत हटा रहे हैं और अपने नेताओं को जिस तरह से बदसलूकी उनके साथ की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि गहलोत अब अपने ही नेताओं का सामना कर रहे हैं और अपने ही नेताओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत हो रही है। और आपको यहाँ पर बता दें कि अशोक गहलोत की अगर बात करें, अशोक गहलोत का कहना है कि सौम्या गुज्जर और उनके कुछ जो समर्थक हैं, उन्होंने जो मीटिंग के लिए नेताओं को कमेटी बैठाई गई थी, कमिश्नर जो बैठाए गए थे, उनके साथ अभद्रता की। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है किस जिस तरह से अशोक गहलोत ने कदम उठाया है, एक तो पहले से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने अपने पैर पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारते हुए दिखाई दिए। अशोक गहलोत का ये कदम, पार्टी नेताओं ने खुलकर बगावत कर दिया है गहलोत के खिलाफ और गहलोत के अब होश उड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें फिलहाल राजस्थान के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक गहलोत का जिस तरह से ये मनमाना रवैया अभी तक देखने को मिल रहा था और कुल मिलाकर देखा जाए तो अशोक गहलोत ने अब खुद ही पार्टी के नेताओं से जो पूरी तरह से उन्होंने जो दुश्मनी मोल ली है, ये दुश्मनी गहलोत पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वापस जो सौम्या गुर्जर है उन्हें कमेटी जो मेयर पद है उन पर बिठाया जाता है या फिर अशोक गहलोत कोई बड़ा कदम उठाते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।